शुमाइल अरशद, हेडलाइंस आपने देखी, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए हैं। तर्जमान एमक्यूएम के मुताबिक कुंवर नवीद 28 जून 2022 को ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए थे। कुंवर नवीद जमील काफी अरसे से अलील थे। अफसोसनाक खबर है, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए हैं। इस पर बात करेंगे। न्यूज वन के नुमाइंदे मलिक आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक आफ्ताब, बताइएगा, तर्जमान ने मजीद कुछ बताया है उनके तदफीन और नमाज जनाजा के हवाले से? जी बिल्कुल, एमक्यूएम के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असेंबली और हैदराबाद के जो साबिक नाजिम भी रह चुके हैं कुंवर नवीद जमील, अब वो कराची के निजी हॉस्पिटल में जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था और गुज़श्ता दिनों उन्हें सांस लेने में एक शदीद दुश्वारी थी, जिस पर ब्रेन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। कुंवर नवीद जमील के जो तल्लक हैदराबाद से था, एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर रह चुके हैं। एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मुकुल सिक्की ने जो है ऐसे तहरीक का जो है वो तहरीक के तरीके जो कारकुन है इनके जो है एमक्यूएम जो है मुल्क के लिए उनकी जो खिदमात जो है वो नाकाबले फरामोश हैं। जबकि गवर्नर सिंह कामरान खान तेसोरी ने भी जो है मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। उनका कहना था कि कुंवर नवीद जमील इंतहाई मंझे हुए सियासतदान। बहुत शुक्रिया आपका मलिक आफ्ताब। और अब बात करेंगे।